आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। आप सब रात के समय आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। गांधी भोपाल में आवाम से खिताब कर रहे हैं और जमकर यहां उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ऊपर निशाना साधा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही साथ भोपाल के लोगों से ये बात कही है कि ये जो सरकार है ये चोरी की हुई सरकार है, कांग्रेस को आपने मैंडेट दिया था और कांग्रेस ने यह सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि बीजेपी को पूरी तरीके से आप हराएं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दे ताकि कांग्रेस यहां पर सरकार चलाए। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह सख्त हमला उस वक्त किया है जब मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने हैं, कांग्रेस यह दावेदारी कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बात का दम भर रही है कि वो सरकार रिपीट कर रही है।